हे गाइस, तो आज हमारे पास है लावा की तरफ से आने वाला लावा का युवा 2 प्रो और ये एक सस्ता आईफोन होने वाला है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आगे चल के मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। और चलिए फिर इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि जिस प्राइसिंग के अकॉर्डिंग ये आता है उस प्राइस पॉइंट पर क्या क्या इसके अंदर स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं, प्रोसेसर की परफॉर्मेंस कैसी है, क्या प्राइसिंग होने वाली है और ये फ़ोन आपको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करिएगा, ऐसी अमेजिंग टेक वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम लोग ऐसी वीडियोज़ रेगुलर बेस पर रहते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और पहले बात करते हैं यहां पे बॉस के बारे में। तो यहां पे आपको युवा 2 प्रो की यहां पे ब्रांडिंग देखने को मिलती है और सामने कार्तिक आर्यन यहां पे छपे हुए हैं। और अगर बात करें यहां पे साइड्स के बारे में, प्राउडली इंडियन, मतलब ये मेड इन इंडिया फोन है। और यहां पे आपको यहां पे लिखा हुआ कि 12000 का डाउटनेट का आपको यहां पे, तो डाउटनेट के साथ कुछ कोलैबोरेशन इनका है जहां पे आपको 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। और अगर बैक साइड की बात करें तो यहां पे कुछ की स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है, तो वो सब हम लोग आगे वीडियो में कवर करेंगे। और बॉक्स को यहां पे हम लोग जल्दी से ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे हमें ऊपर एक पाउच देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हमको ये कवर देखने को मिलता है जो पैकेजिंग मुझे थोड़ी सी यहाँ पे चीप क्वालिटी की लग रही है। और यहाँ पे एक सिम इजेक्टेड पिन यहाँ पे देखने को मिलती है और ये एक टीपीयू केस देखने को मिल जाता है जिसकी क्वालिटी मैं कहूँगा मतलब ठीक टाइप की है। और अगर बात करें यहाँ पे आपको ये जैसे कि इन लोगों की फ्री सर्विस होम पे है, यहाँ पे आप ये 24 घंटे के अंदर आप यहाँ पे सर्विस ले सकते हो, इनका कुछ स्कीम वगैरह है। और यहाँ पे एक्चुअल स्मार्टफोन्स रखा हुआ है यहाँ पे हमको मिल जाता है। और ये फर्स्ट फ्लाइट में काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, तो चलिए इसको बाद में देखते हैं। और अगर बात करें यहाँ पे चार्जर के बारे में, तो यहाँ पे आपको 20 वॉट का यहाँ पे चार्जर देखने को मिल जाता है। और अगर बात करूँ चार्जर की क्वालिटी के बारे में, तो मैं कहूँगा इतनी ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं है, यहाँ पे कॉर्नर्स पे इतनी अच्छी फिनिशिंग देख के नहीं रखी, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग किया है लावा ने। और अगर बात करें यहाँ पे केबल के बारे में, तो ये केबल ऐसे लग रही है कि 50-100 रुपये में जो आपको ऑफलाइन मार्केट में केबल देखने को मिलती है वही है, इतनी मोटी केबल है कि मतलब क्वालिटी मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। चलिए फिर सब कुछ साइड करते हैं और अपने फ़ोन पर आते हैं हम लोग। तो ये रहा हमारा एक्चुअल फ़ोन और कलर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे देखने को मिलता है, ऑलिव ग्रीन कलर है। चलिए फिर इसको निकाल लेते जल्दी से। एंड गाइस क्या ब्यूटी है, मतलब मैं कहूँगा फर्स्ट इंप्रेशन में एक नंबर डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिलता है अगर जिस प्राइस पॉइंट की मैं बात करूँ, क्योंकि ये आपको समथिंग 8000 के प्राइसिंग के साथ आपको देखने को मिलेगा और वेरिएंट इसको आपको ऊपर नीचे होते रहते हैं। बट यहाँ पे जो लुक्स हैं काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। और ये जो कैमरा सेटअप है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं क्यों कह रहा था कि ये पे आईफोन के सस्ता आईफोन आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे जो 11 प्रो मैक्स की जो डिज़ाइन है वो लगभग सिमिलर आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और बैक साइड में आपको ये ग्लास देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छा है। इस प्राइस पॉइंट में जो कंपनीज होती हैं ग्लास प्रोवाइड नहीं करती, बट यहां पे आपको ग्लास मिलता है जो कि काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी। और अगर आप इसको हाथ में लेते हो तो जो इन हैंड फील है काफी अच्छा देखने को मिलता है। ये काफी से फोन जो है वो काफी लाइट वेट है, तो इसके अंदर इसे आपको 5000 mAh की बैटरी इसके अंदर इनबिल्ट है, तो उस हिसाब से मैं फोन कहूंगा काफी ज्यादा लाइट वेट हो जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्विकली यहां पे पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में। तो नीचे आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है, स्पीकर ग्रिल्स है, माइक्रोफोन है, 3.5 mm जैक मिल जाता है। साइड में आपको यहाँ पे सिम ट्रे देखने को मिल जाती है, तो चलिए फिर इसको निकाल के देख लेते हैं कि यहाँ पे सिम ट्रे जो है वो कैसी है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिलेगा SD कार्ड का। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे आप 2 SIM और 1 SD कार्ड यहाँ पे लगा सकते हो। इसके अंदर कोई भी आपको रबड़ कोटिंग देखने को नहीं मिलती है, तो ऑब्वियसली प्राइस है कि प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी रबड़ कोटिंग देखने को नहीं मिलेगी। ऊपर साइड पूरा यहाँ पे क्लीन देखने को मिलता है। और अगर राइट साइड की यहाँ पे बात करें, तो पावर बटन के अंदर आपको फिंगरप्रिंट रीडर देखने को मिल जाता है, उसी के ऊपर आपको वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिलते हैं जिसकी पोजीशनिंग मैं कहूंगा काफी सही है। एक हाथ से आप फोन को यूज कर पाओगे, थोड़ा सा टॉल फोन है बट जो वेट जो है वो लाइट वेट है, तो इन एंड फील काफी तगड़ा आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो मैं कहूंगा बिल्ड क्वालिटी के मामले में एक नंबर यहाँ पे लावा ने काम किया है जिस प्राइस पॉइंट पे इसको लॉन्च किया, क्योंकि जिस प्राइस पे आता है लगभग 8000 के नीचे आपको देखने को मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग ये कह के बिल्ड क्वालिटी के मामले में काफी अच्छा वर्क किया है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे आपको 6.3 इंच की आपको HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है, ब्राइट डिस्प्ले है। और अगर यहाँ पे बेजल्स की बात करें, नीचे जो है आपको चिन जो है वो थोड़ा सा मोटा देखने को मिलता है, जो साइड्स के बेजल तो कहूँगा मैं ठीक है, वाटर ड्रॉप नॉच है, बट यहाँ पे जो नीचे का चिन है वो थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, तो काफ़ी अच्छा फ़ोन यहाँ पे देखने को मिलता। और अगर बात करें यहाँ पे ब्राइटनेस के बारे में, तो आउटडोर कंडीशन में कहूँगा मैं इतना अच्छा वर्क यहाँ पे नहीं कर रहा है, बट इनडोर के अंदर काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है, आराम से अभी इजिली यूज़ कर पाओगे। और अगर बात करें यहाँ पे कलर्स के बारे में, तो HD+ स्क्रीन है, तो HD+ स्क्रीन के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग जो कलर्स हैं मैं कहूँगा ठीक हिसाब से काम करते हो। तो आपको मल्टी मीडिया अगर कंज्यूम करना है, कोई कॉन्टेंट वगैरह देखना है, तो आप आराम से इंजॉय कर सकते हो। वैसे इसके अंदर आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है जिसका आउटपुट काफ़ी ठीक है, इतना ज़्यादा लाउड मैं नहीं कहूँगा, बट डिफरेंट टाइप के आउटपुट्स आपको देखने को मिलते हैं। वैसे अगर लाउडनेस की बात करें ज़्यादा लाउड नहीं मिलता है, बट यहाँ पे नॉर्मल आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सेंसर्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको लगभग सारे सेंसर देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको कोई भी वाइड बैंड L1 का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। और अगर बात करें यहाँ पे वाईफाई और ब्लूटूथ के बारे में, तो ब्लूटूथ 5.0 है, वाईफाई 5 का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। ये फ़ोन जो है वो एक 4G फ़ोन है, तो 5G फ़ोन नहीं है। और प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं कहूँगा कि 5G हो जाता तो और ज़्यादा बेटर यहाँ पे कॉम्पिटिशन के अंदर होता, बट यहाँ पे 4G फ़ोन देखने को मिलता है, तो डुअल 4G वोल्टी भी देखने को मिल जाएगा और डुअल वाईफाई चैनल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कैमरास के बारे में, तो यहाँ पे आपको 2-3 जो है वो काफ़ी बड़े बड़े कैमरा देखने को मिलते हैं, बट एक्चुअल में यहाँ पे जो 2 कैमरा है वो यूजलेस कैमरा है और लावा ने इसको डिफाइन नहीं किया। ये थोड़ी सी मुझे, ये बजट रेंज के जितने भी फोन्स होते हैं ये थोड़े से मुझे सही लगते हैं, क्योंकि जो इंडियन ब्रांड्स होते हैं वो पता नहीं क्यों मिसबिहेव ऐसा किस टाइप का करते हैं कि सारे कैमरास की परफॉर्मेंस को इन लोग को मेंशन करना चाहिए। कम से कम जिस वो भी रिव्यू कर रहा है या कोई भी खरीद रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि कितने मेगापिक्सल के यहाँ पे कैमराज हैं। यहाँ पे एक ही चीज़ का यहाँ पे मेंशन किया गया है, 13 मेगापिक्सल का आपको बैक साइड में कैमरा देखने को मिलता है, फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। और अगर कैमरा की क्वालिटी की मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। अगर आप आउटडोर में यूज शूट करते हो या फोटोज़ वगैरह क्लिक करते हो तो जो डायनेमिक रेंज है ठीक कहूँगा मैं, और ब्राइट फोटोज़ आपको देखने को मिलती है, शार्पी फोटोज़ है। अगर आप HDR पे क्लिक करोगे तो पोर्ट्रेट वगैरह भी काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो 5 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है और उसकी क्वालिटी भी मैं कहूँगा डिसेंट टाइप की है, प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बैटरी के बारे में कि आपको बैटरी कितनी बड़ी देखने को मिलती है। 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है और आपको 20W का आउटपुट देखने को मिलेगा चार्जिंग में। तो डेफिनेटली अगर चार्जिंग के आउटपुट और बैटरी बैकअप की बात करें तो आप आराम से ये 1.5 दिन का यूजेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली बैटरी भी काफ़ी अच्छी है और जो बैटरी चार्जिंग पॉइंट है वो भी काफ़ी आपको अच्छे देखने को मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे UI के बारे में, तो आप इसको अगर आप नॉर्मल यूज़ करोगे तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। अगर आप स्क्रॉलिंग वगैरह करते हो ईजिली यहाँ पे परफॉर्म करता है, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है हीलियो की तरफ से, आपको हीलियो का G36 प्रोसेसर देखने को मिलता है। उसके अकॉर्डिंग कहूँगा मैं जो परफॉर्मेंस है काफ़ी ठीक आपको देखने को मिलती है। डेली यूज़ वगैरह आपको करना है तो आप इसमें आराम से कर सकते हो, डेली टास्क वगैरह आराम से ही चल जाता है। वैसे अगर गेमिंग की बात करें तो ये फ़ोन गेमिंग के पर्पज से बिल्कुल भी नहीं है, तो हम लोगों ने इसमें गेमिंग वगैरह भी नहीं खेली। वैसे ही इसमें थोड़े बहुत हीटिंग इशूज़ आपको देखने को मिलते हैं, बट अगर नॉर्मल आप यूज़ करते हो, स्क्रॉलिंग वगैरह करते हो, ऐप्स लोड वगैरह करते हो, तो नॉर्मल तरीके से लोड होती है और इस प्राइस पॉइंट पे यही सारे कुछ फीचर्स आपको इस फोन के अंदर मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एंड्रॉइड के बारे में, तो ये एंड्रॉइड 12 पे रन कर रहा है और कंपनी ने यहाँ पे क्लेम किया कि यहाँ पे एंड्रॉइड 13 के अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे और 2 साल के लोग सिक्योरिटी पैच यहाँ पे प्रॉमिस कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इस प्राइस पॉइंट पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे लावा कर रहा है कि अगर ये लोग समय पे ये लोग सिक्योरिटी पैचेस वगैरह और जो अपडेट्स हैं वो देते हैं तो डेफिनेटली मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा ये फ़ोन बन जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये जो फ़ोन है वो किन के लिए यहाँ पे टारगेट किया गया है और किसको ये फ़ोन परचेस करना चाहिए। तो अगर आपका बजट 10,000 rupees है, आप इतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते हो और 10,000 के अंदर कोई फ़ोन परचेस करने के लिए सोचो जिसका जो लुक हो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे देखने को मिल जाए, परफॉर्मेंस थोड़ी सी ठीक ठाक आपको देखने को मिले, कैमरे परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो, और डेफिनेटली ये जो फ़ोन है इसकी बिल्ड क्वालिटी मैं कहूँगा 1 नंबर यहाँ पे लावा ने यहाँ पे काम किया है। यहाँ पे जो लुक्स हैं काफ़ी प्रिटी यहाँ पे लुक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि अगर आपको 10,000 के अंदर कोई फ़ोन लेना है, देखने में अच्छा होना चाहिए फ़ोन, तो आप लावा की तरफ जा सकते हो। वैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग इस फ़ोन के बारे में क्या सोचते हो, आप लोग इस फ़ोन को परचेस करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे, और आपको ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेगा, ऐसी अमेजिंग टेक वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसी वीडियोज़ रेगुलर बेस पर करते रहते हैं। चलिए फिर आज की वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।